हेलो स्टूडेंट्स, मारू नाम है राजगुरु अने आज आप जुवानुं छे बीकॉम सेम 6 नु मैनेजमेंट एकाउंट। एमां आपणे चेप्टर नंबर 4 परिवर्तनशील अंदाजपत्र जोई रह्या छीए। आजे आपणे 2022 में पूछेलो दाखलो जोवानो छे। आम तो आपणे आवो दाखलो जोई लीधो छे, पण लास्टमां आपणे उत्पादनमां जे छे ए वेचाण किंमतमां थोडुंक फेर आपेलो छे अने प्लसमां आपणे आमां मेनेजमेंटने भलामण पण आपवानी छे। तो આપણે છે એ દાખલો મેં લીધેલો છે। આમ તો આપણે જેવી રીતે 2022માં પૂછાયેલો, સોરી 23માં પૂછાયેલો દાખલો જોયો હતો એવો જ છે, બરાબર છે। પ્રકૃતિ કંપનીનું વાર્ષિક અંદાજપત્ર નીચે પ્રમાણે છે। પડતર 60% 80% આપણને આપેલી છે, ઘસારો આપેલો છે, પ્રત્યક્ષ માલસામાન આપેલા છે, મજૂરી આપેલી છે, કારખાના પરોક્ષ ખર્ચા, વહીવટી પરોક્ષ ખર્ચા, ભાડું, વેચાણ અને વિતરણ પરોક્ષ ખર્ચા, વીમો અને અન્ય ખર્ચા આપેલા છે। कंपनी हाल में 50% उत्पादन क्षमताएं कार्य करे छे अने हालनी उत्पादन सपाटीए वेचाण किंमत 6 लाख है। 50% वेचाण किंमत केटली छे? 6 लाख। 75% और 100% उत्पादन सपाटीए वेचाण किंमत में अनुक्रमे 5% और 10% नो घटाड़ो थशे, बराबर है। चालो अने 50%, 75% और 100% क्षमता माटे परिवर्तनशील अंदाजपत्र तैयार करो और नफो शोधो और मैनेजमेंट ने तमारी भलामण आपो, बराबर है। चालो तो दाखलो आपणे स्टार्ट करीए। प्रकृति लिमिटेडनु वार्षिक अंदाजपत्र 50%, 75% और 100% क्षमता में आपने आपवानुं छे। तो पहला आपने आपेलो है घसारो। तो घसारो 40,000 मीन्स कि स्थिर है, बराबर है। तो हवे आपणे अहीं लखी नाखशुं, 3 पार्ट पाडशुं आपणे एज युज्युअल, बराबर है। पहला आपणे लखी नाखशुं चलित खर्च अथवा तो स्थिर खर्च। स्थिर खर्च तमे कांई पण लई शको। हूँ चलित खर्च लउं छुं, 4-5 લીટી મૂકી દઉં છું, પછી પાછા આપણે स्थिर खर्च अने पछी आपणे 3જા नंबर में अर्धचलित खर्च। बराबर है। आ रीते 3 पार्ट आपणे पाड़ी देशुं। चलो चलित खर्च, स्थिर खर्च अने अर्धचलित खर्च। हवे पहला आपणे आवशे घसारो। तो ए आवशे स्थिर खर्च में, तो लखी नाखशुं घसारो। ए आवशे स्थिर खर्च में 40,000 बधाई में रहेशे। बराबर है। पछी बीजा नंबर में आपने आप्युं छे प्रत्यक्ष मालसामान। तो आपने खबर ज छे कि तो चलित ज होय, पण छतांय आपणे जोई लई कि 90,000 गुणिया 80 भाग्या 60, 1,20,000। 1,20,000 चलित है। चलो तो अहीं आपणे प्रत्यक्ष मालसामान आमां आपणे जरूरी गणतरी बहुत जाजी लांबी बताववानी जरूर नथी, संपूर्ण चलित है एटले 90,000 गुणिया 60 भाग्या 50। चलो तो ये आवशे 1,08,000। शू करू? चलो तो 90,000 गुणिया 50 भाग्या 60। चलो तो 75,000। मैं कीधुं 1,08,000 क्या थी? 75,000, बराबर है। त्रिराशि मूकी 60,000 अपना 90,000 था, तो 50% केटला? तो 90,000 गुणिया 50 भाग्या 60। चलो तो ये आवशे 75,000। पछी बीजा नंबर में आमां ज आपणे त्रिराशि मूकता जाए, गुणिया 75 भाग्या 50। ये आवशे 1,12,500, बराबर। आ 50% 75 तो 100 केटला थशे? तो के ई खबर नहीं सर, आपणे डायरेक्ट कर नाखीए। चालो गुणिया 100 भाग्या 75। चलो तो 1,50,000, डबल, बराबर। चलो प्रत्यक्ष मालसामान थई गया। पछी हवे आपणे त्रीजा नंबर में छे प्रत्यक्ष मजूरी। तो ए पण आपणी लगभग चलित ज हशे, पण छतांय लेखा पहला आपणे जरा जोई लईए। 1,20,000 गुणिया 80 भाग्या 60, तो ये आवशे 1,60,000, बराबर। ए पण आपणी संपूर्ण चलित। तो अहीं लखशुं प्रत्यक्ष मजूरी। ए आवशे 1,20,000 अने 1,60,000। तो हवे आपणे आने कन्वर्ट कर नाखशुं। 1,20,000 गुणिया 50 से आपणे फाइंड आउट करवानी छे, भाग्या 60 एटले आवशे 1,00,000 गुणिया 75 भाग्या 50, तो आवशे 1,50,000। अने 100% 2 लाख आवशे, पण छतांय आपणे गुणिया 100 भाग्या 75 करी नाखीए, तो 2 लाख आई गई। चलो प्रत्यक्ष मजूरीनुं काम थई गयुं। कारखाना परोक्ष खर्चा। तो कारखाना परोक्ष खर्चा 70,000 80,000, तो आपणे जोई लईए જરાક। 70,000 गुणिया 80 भाग्या 60, तो आवशे आवुं कंईक आवशे। मीन्स के अर्धचलित खर्चा है। चलो तो अहींया लखशुं आपणे कारखाना परोक्ष खर्चा। તો એ બે વસ્તુ આવશે સ્થિર અને ચલિત. ચાલો તો હવે સ્થિર અને ચલિત આપણે અલગ કરવા માટે આપણને ખબર જ છે આપણે શું કરવાનું છે, બરાબર. આપણે એક સૂત્ર છે પેલું અર્ધચલિત ખર્ચ કયો તો કે કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ તો એ કેવો છે તો કે અર્ધચલિત. તો એના માટે સૂત્ર છે ટકાવારી દીઠ ચલિત બરાબર આપણને ખર્ચમાં તફાવત એના છેદમાં ટકાવારીમાં તફાવત. ચાલો તો ખર્ચમાં તફાવત આપણને કેટલો આપેલો છે તકે કારખાના પરોક્ષ 70,000 અને 80,000 એટલે કે 10,000નો આપણને તફાવત આપેલો છે અને ટકાવારીમાં તફાવત 70 અને 80 20નો તફાવત આપેલો છે. તો 10,000 ભાંગ્યા 20 એટલે આવશે 500. એ આવશે ટકાવારી દીઠ ચલિત ખર્ચ. ચાલો તો આ આવશે 500 રૂપિયા આપણા ટકાવારી દીઠ ચલિત. તો હવે આપણે કહી દઈએ તે ચલિત ખર્ચ કેટલો થશે, બરાબર. તો 70% ચલિત ખર્ચ 70 નહીં પણ પહેલાં આપણે 60% ચલિત ખર્ચ લેશું. તો 60% ચલિત ખર્ચ 500 ગુણ્યા આપણે છે ટકાવારી 60 તો 5, 6, 50 અને 30 3,000 રૂપિયા આપણા ચલિત આવશે. તો કુલ ખર્ચ આપણા સ્થિર ખર્ચ અને અહીંયા આવશે કુલ ખર્ચ. તો સ્થિર ખર્ચ આવશે આપણી પાસે ટોટલ ખર્ચમાંથી માઇનસ કરશું. ટોટલ ખર્ચ છે કારખાના પરોક્ષ ખર્ચા આપણા 70,000 60%. તો અહીંયા આપણે છે એ 500 ગુણ્યા 60 આપણે કરીએ તો એ આવશે 30,000 3,000 નહીં પણ, બરાબર. એટલે કે અહીંયા આવશે આપણા 1,20,000 કુલ ખર્ચ અને અહીંયા આપણે જે વધશે એ આપણો સ્થિર ખર્ચ. તો 90,000 થશે એ આપણો શું થશે સ્થિર ખર્ચ. મીન્સ કે બધી સપાટીએ આપણો 90,000 ખર્ચ છે એ થવાનો છે. હવે દરેક સપાટીએ આપણે ચલિત ખર્ચ લઈ લઈ તો આપણે 50% ચલિત ખર્ચ, બરાબર. પછી આપણે 75% ચલિત ખર્ચ અને 100% ચલિત ખર્ચ કેટલો થશે તો કે ટકાવારી આપણે ગુણ્યા કરવાની છે. તો 50 એને ગુણ્યા કેટલા આવ્યા હતા તો કે 500 50 ગુણ્યા 500 5 દુ 10 એટલે કે આ આવશે 10,000, બરાબર છે. ચાલો છતાંય આપણે કરી લઈએ 500 ગુણ્યા 50 એટલે 25,000 10,000 ક્યાંથી મૂક્યા ઉપર. ચાલો પછી 25,000 પછી વળી પાછા 75 ગુણ્યા 500 તો 75 ગુણ્યા 500 ચાલો તો એ આવશે 37,500 આપણા અને આ આવશે 100 ગુણ્યા 100 એટલે 100 ગુણ્યા 500 એટલે 50,000 50,000 આ ચલિત ખર્ચ આવી ગયો. સ્થિર ખર્ચ આપણો 90,000 જે બધામાં સ્થિર રહેશે. તો અહીંયા આપણે સ્થિર 90,000 બધામાં લખી નાખશું. અને ચલિત ખર્ચ 25 37,500 અને 50,000 50,000 આપણા ચલિત ખર્ચ. બીજા નંબરમાં હવે આપણે કયો ખર્ચ લેવાનો છે કામ થઈ ગયું, બરાબર. આગળ છે આપણો પ્રત્યક્ષ મજૂરી થઈ ગઈ, કારખાના પરોક્ષ ખર્ચા થઈ ગયા, વહીવટી પરોક્ષ ખર્ચા. તો આ પણ આપણને ચલિત જ દેખાય છે, અર્ધ ચલિત જ દેખાય છે. તો 30,000 ગુણ્યા 80 ભાંગ્યા 60 તો એ પણ આવી ગયા 40,000 પણ આપણે 40,000 આવતા નથી 35,000 આવે છે, બરાબર. તો આપણે વહીવટી પરોક્ષ ખર્ચા પણ આપણા અર્ધ ચલિત છે એમ કહી શકશું. તો અહીં લખશું આપણે વહીવટી પરોક્ષ ખર્ચા અને એ પણ કેવા છે આપણા અર્ધચલિત. ચાલો તો અર્ધચલિત છે તો સૌપ્રથમ આપણે ટકાવારી દીઠ ચલિત ખર્ચ લઈ લેશું. બરાબર આપણી પાસે ખર્ચમાં તફાવત એના છેદમાં ટકાવારીમાં તફાવત. ચાલો તો ખર્ચમાં તફાવત આપણો કેટલો આપેલો છે तो कि अँ अपने वहीवटी परोक्ष 30,000 35,000 मीन्स के 5,000 नो तफावत है और टकावारी में तफावत तो आप 20 एज यूजल। चलो 5,000 भांगा 20 तो आवशे 250 टकावारी दीठ चलित खर्च। तो पहला आपणे स्थिर खर्च फाइंड आउट कर लेशुं। तो कुल खर्च आपने खबर ज छे बराबर स्थिर प्लस चलित। तो कुल खर्च अपनी पास आपेलो है केटलो तो के कुल खर्च है वहीवटी परोक्ष खर्चा 30,000 बराबर है 60% 30,000 और चलित खर्चा अपना 250 एने गुणिया टकावारी अपनी केटली है तो कि टकावारी है अपनी 60% बराबर तो एने गुणिया 60। चलो तो अँ कर नाखशुं 250 गुणिया 60 एटले चलित खर्च आपणो आवशे 25 6 150 15,000 प्लस स्थिर खर्च जे आपणे फाइंड आउट करवानो छे 30,000 मांथी 15,000 एटले 15,000 आपणो स्थिर खर्च थई जशे बराबर। चलित खर्च 15,000 कुल होता 30,000 तो स्थिर वही तो ये केटलो हशे 15,000। चलो पछी आपणे त्रणे त्रण सपाटी माटे चलित खर्च फाइंड आउट करी लेशुं। तो के अहींया ज करी नाखीए केटली केटली आपणी सपाटी छे तो के 50 75 100 तो 50% सपाटीए चलित खर्च 75% सपाटीए चलित खर्च और 100% सपाटीए चलित खर्च बराबर है। चलो तो अँ आप 250 गुणिया जो टकावारी है ये 250 गुणिया 75 और 250 गुणिया 100। चलो तो 25 50 125 गुणिया 50 चलो तो ये आवशे 12,500 250 एने गुणिया 75 चलो तो ये आवशे 18,750 अने आ आवशे 250 गुणिया 100 एटले 25,000 बराबर है। चलो आपणे स्थिर चलित बे मळी गया तो अहीं लखीशुं आपणे वहीवटी परोक्ष खर्चा एमां स्थिर अने अहीं आवशे चलित। चलो तो स्थिर तो आपणने स्थिर ज रहेशे 15,000 तो बधाईमां 15,000 लखी नाखशुं 15,000 अने चलित में आपणने 12,500 18,750 अने 25,000 आपेला छे। चलो पछी त्रीजा नंबर में आपणे आनुं काम थई गयुं कारखाना परोक्ष खर्चा वहीवटी परोक्ष खर्चा थी गया। भाड़ू 25,000 स्थिर है तो स्थिर खर्च में लखशुं आपणे भाड़ू बधाई में स्थिर है एटले 25,000 अने 25,000 बधे दरेक सपाटी में स्थिर खर्च हमेशा स्थिर ज रहेशे। पछी त्रीजा नंबर में वेचाण वितरण परोक्ष खर्च तो ये पण आपणो अर्धचलित हशे पण छतांय आपणे जोई लई 50,000 गुणिया 80 भांग्या 60 तो ये पण आपणो अर्धचलित है। तो अर्धचलितनी वरिया पछी आपणे जे गणतरी थती थी करशुं अहींया। चलो वेचाण वितरण परोक्ष खर्च वरी पाछुं आपणे खर्च में तफावत अने छेद में आपणे छे टकावारी में तफावत। आ तमने हूँ अलग अलग एटले करावुं छुं कारण के तमने क्यांय डाउट ना रहे बराबर है नकर तमे डायरेक्ट जे छे ए पहेला बधा ओळखी ल्यो के क्या 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 है बराबर। तो पहला बधा स्थिर खर्च लखी नाखो पछी बधा चलित खर्च लखी नाखो बराबर अने पछी बधा अर्धचलित खर्च लखी नाखो तो पण चालशे बराबर। पण आवी रीते लाइन में हूँ तमने एटले करावुं छुं कारण के तमने क्यांय डाउट रहे नहीं बराबर है अने बधाय जे छे ए तमने बराबर प्रोपर समजाई जाए बराबर। अने आ वाराफरती हूँ एटले ज करूँ छुं बराबर नकर तमे बधाय चलित खर्चनी अर्धचलित खर्चनी गणतरी कॉमन एक आ सूत्र मूकी अने बधाय खर्चनी गणतरी करी नाखो तो पण चाले बराबर है। तो एमां पण कांई डाउट रहे नहीं बराबर। पण आ रीते हूँ करावुं छुं एनुं रीजन ई छे के तमने जे छे माइंड में आ एक आ सूत्र पण बेसी जाए अने गणतरी पण बधी बराबर बेसी जाए बराबर। चलो खर्च में तफावत आपणे केटलो आपेलो छे तो सौ प्रथम आपणे केनुं करीए छीए तो के वेचाण वितरण परोक्ष खर्च 50,000 और 58,000 एटले के 8,000 अने टकावारी में तफावत है 20 तो 8000 भांगा 20 400 तो ये आवशे आपणो आ शुं आवशे तो के टकावारी दीठ चलित खर्च। चलो टकावारी दीठ चलित खर्च आवी गयो तो स्थिर खर्च बराबर कुल खर्च बराबर चलित खर्च प्लस स्थिर खर्च अथवा तो पहला स्थिर लई लें तो चलित की गणतरी पाछळ थई जाए। स्थिर खर्च प्लस चलित खर्च। चलित खर्च आपणे कई रीते लेशुं तो कि कुल खर्च आपणे केटलो आपेलो छे तो कि 50,000। स्थिर खर्च आपणे आपेलो नथी पण चलित खर्च आपणे 400 एने गुणिया आपणे शुं लेशुं तो कि आपणी टकावारी 60 6×4 24 24,000 बराबर तो अहींया लखशुं आपणे 24,000 अने आ 50,000 आपणे एमांथी माइनस एटले 26,000 आपणा स्थिर खर्च मीन्स के दरेक सपाटी में आ सेम रहेशे बराबर। पछी आप दरेक सपाटी चलित खर्च लई लें तो 50% चलित खर्च पछी 75% चलित खर्च अने 100% चलित खर्च केटला केटला छे तो के आपणे टकावारी दीठ केटला लेवाना छे तो के 400 बराबर तो 50 गुणिया 400 पछी 75 गुणिया 400 अने 100 गुणिया 400 बराबर है जे आवे आपणो चलित खर्च थशे। चलो 5×4 20 बराबर है 400 गुणिया 50 एटले के 20,000 75 गुणिया 400 तो ये आवशे 30,000 अने 100 गुणिया 400 ये आवशे 40,000। चलो तो हवे आने आपणे लखी नाखीए आव्या चलित खर्च आव्या आपणा स्थिर खर्च तो अँ लखशूँ आप क्या गया अपना चलित खर्च अँ आप लखशू वेचाण वितरण परोक्ष खर्च अने ई आवशे आपड़ा केटला तो के 26,000 स्थिर अने चलित तो अँ आप लखशू केटला तो के 26,000 स्थिर में तो 26,000 दरेक सपाटीए ये तो 26,000 स्थिर ज रहेशे अने चलित में आपणे आवशे 20,000 30,000 40,000। बराबर है। चलो तो आ वस्तु लखाई गई। पछी हवे आगळ वधीए आपणे आगळ आपणे छे ए वीमो आपेलो छे 15,000 15,000 तो वीमो तो आपणो स्थिर खर्च है तो अहींया आपणे वीमो लखी नाखशुं वीमो 15,000 15,000 कांई एमां वधारो घटाड़ो छे नहीं। अने तीजा नंबर में अन्य खर्चाओ तो आ आपणे स्थिर है कि चलित है जोई ली तो के स्थिर है कि चलित है शूँ अर्धचलित है कि चलित है जोई ली 42,000 गुणिया 80 भांगा 60 चलो तो 56,000 मीन्स के आ आपणो चलित है। सारूँ चलो तो ओली गणतरी थी आपणे इजापो मळ्यो अहींया लखशुं अन्य खर्चा संपूर्ण चलित है अपना 42,000 अँ आप गणतरी करवी पड़ से 42,000 गुणिया 50% जोई छे आपणे 60% आपेला है तो 35,000 अपना थशे अँ 35,000 गुणिया 75 भांगा 50 तो ये आवशे 52,500 अने 52,500 गुणिया 100 भांगा 75 हाँ 70,000 चालू थयो अँ 35,000 है तो अँ 70,000 ज आवा जोईए यूजुअली बात है। चलो हवे आपणे खर्चा बधाई थई गया है बराबर आ सिवाय कोई खर्चो आपेलो नथी पण आपणे ज्यारे वेचाणनी गणतरी करशुं त्यारे आपणे एक वस्तु ध्यान में राखवानी छे कि वेचाणमां आपणे वधारो करवानो सॉरी घटाड़ो करवानो छे बराबर है। चलो तो पहला बधुं बंद कर दई अहीं आपणे लखशुं कुल चलित खर्च एने कहीशुं आपणे ए अहीं आपणे लखशुं कुल स्थिर खर्च एने कहीशुं आपणे बी अने अहीं आपणे कुल अर्धचलित खर्च एने कहीशुं आपणे सी। चलो ए बी सी करी नाखीए 75,000 प्लस 1,00,000 अने 35,000 चलो तो ए आवशे आपणा 2,10,000 बराबर छे। चलो तो अहीं लखी नाखशुं आपणे 2,10,000। चलो पछी आगळ वधीए 1,12,500 प्लस 1,50,000 प्लस 52,500 एटले ई आवशे 3,15,000 अने अहीं आवशे 1,50,000 प्लस 2,00,000 प्लस 70,000। चलो तो ई आवशे 4,20,000। पछी अहीं बधाई में टोटल ई तो सेम ज आवशे 40,000 25,000 प्लस 15,000 80,000 बधाई में। बराबर अने अहींया जोई लई आपणे अहींया जे कारखाना परोक्ष खर्च छे एमां आपणे स्थिर खर्च जे फाइंड आउट कर्या एमां एक नानकड़ी केवी भूल थई गई छे जे 1,20,000 आपड़ा छे अहींया बराबर ए खरेखर प्रत्यक्ष मजूरी आपेली छे आपणे कारखाना परोक्ष खर्च 70,000 आपेला छे तो टोटल आपड़ा अहीं 70,000 थशे अने आ जे वधशे ए 40,000 वधशे बराबर। चालो तो अहींया आपणे जराक स्थिर खर्चमां सुधारो करी नाखशुं अहींया आपणे 40,000 लई लेशुं बराबर। चालो अने पाछो टोटल एक करी नाखीए। चालो 40,000 25,000 15,000 प्लस 12,500 प्लस 26,000 अने प्लस 20,000। चलो तो ई आवशे 1,38,500 नहीं कि 88। चलो 38,500। चलो पछी 40,000 प्लस 37,500 प्लस 15,000 प्लस 18,750 प्लस 26,000 प्लस 30,000। चलो तो ई आवशे 1,67,250 बराबर है। चलो चलो 1,67,000 बराबर। चलो आमांय 50,000 इजाफो थशे। चलो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 26,000 प्लस 40,000। चलो तो 1,96,000। चलो तो अहीं आवशे 1,96,000 बराबर। हवे टोटल कर नाखीए अपनी पास आवशे कुल पड़तर 2,10,000 प्लस 80,000 अने प्लस आवशे 1,38,500। चलो तो ई आवशे 4,28,500 4,28,500। पछी अहींया 3,15,000 प्लस 80,000 प्लस 1,67,250 तो ई आवशे 5,62,250 अने अहींया आवशे 4,20,000 प्लस 80,000 अने प्लस 1,96,000। चलो तो आ आवशे 6,96,000 बराबर है। तो आ आवी गया आपड़ा कुल पड़तर बराबर है। चलो तो हवे आपणे वेचाणनी वात कर लई तो अहींया आपणे लखशुं वेचाण। चलो तो वेचाण अने नफो ए आपणे मेळववानो छे बराबर। कुल पड़तर नफो अने पछी आपणे आवशे ए आवशे आपणुं वेचाण। चलो तो वेचाण आपणे शुं कीधुं छे तो के 50% केपेसिटी तो 6,00,000 आप्युं छे आपणने तो अहींया आपणे લખી નાખશું 6,00,000 एमां कंई सुधारो वधारो नथी बराबर। 50% केपेसिटी आपणने आप्युं छे 6,00,000 6,00,000 आपणे आपणी पड़तर माइनस करी नाखशुं 4,28,500 तो नफो आवशे 1,71,500। चलो आ नफो आवी गयो। हवे आपणे अहींया वेचाण जे छे ए फाइंड आउट करवानुं छे तो वेचाण में अहींया शुं कीधुं छे तो के 75% अने 100% उत्पादन सपाटीए वेचाण किंमतमां 5% अने 10%नो घटाडो थशे। चलो तो 5% अने 10%नो घटाडो करी लईए आपणे 6,00,000 छे तो एनी त्रिराशि मूकी अने 75% केटलुं थाय ई जोई लई 75/50। चलो तो ई आवशे 9,00,000। हवे एमां आपणे 5%नो घटाडो करवानो छे तो अहींया आपणे करशुं माइनस 5% एटले आवशे 8,55,000 आपणो वेचाण। चालो आमां एमांथी नफो आपणे फाइंड आउट करशुं 5,62,250 माइनस करशुं एटले आपणी पासे आवशे 2,92,750 ई शुं आवशे आपणो नफो। पछी अहींया 6,96,000 एमांथी हवे पहिला आपणे 6,00,000 छे एमांथी त्रिराशि मूकी अने वेचाण गोतशुं अने एमां पाछा आपणे 10%नो शुं करशुं घटाडो करशुं जेम आपणे कर्युं हतुं एवी ज रीते 6,00,000 गुणिया 100/50 ई तो खबर ज छे आपणे 12,00,000 थशे बराबर। हवे 12,00,000 मां आपणे शुं करवानुं छे तो के 10%नो घटाडो तो माइनस 10% तो आवशे 10,80,000 अने एमांथी आपणे 6,96,000 माइनस करशुं तो ये आवशे 3,84,000 आपणो नफो बराबर। हजी आपणे बे वस्तु बाकी छे जे वेचाणनी आपणे गणतरी करी एमां आपणे घटाडो करवानो छे जे गणतरीमां बताववानुं छे बराबर छे। चालो तो सौप्रथम अहींया आपणे गणतरी करशुं चौथुं वेचाण 50% 6 लाख बराबर। तो આપણે કેટલા કેટલા ટકાએ તો કે 75 અને 100% કેટલા છે ને એ જોવાનું છે। 75% અને 100% એ બરાબર છે। તો 6 લાખ ગુણ્યા 75 ભાંગ્યા 50 તો એ આવશે આપણી પાસે 9 લાખ। તો અહીંયા આવશે 9 લાખ અને આ તો 12 લાખ આવશે જ, તો ખબર જ છે આપણને બરાબર છે। ડબલ જ કરવાના છે ડાયરેક્ટ। चलो हवे एमांथी आपणे पर्सेंटेज माइनस करवाना छे। माइनस आ छे ए 5% अने आ छे ए -10%। चलो तो 9 लाखना 5% केटला थशे 45,000 बराबर। ए माइनस करी अने बारे मूकशुं एटले आपणी पासे आवशे 8,55,000 वेचाण बराबर। आ आव्युं आपणुं वेचाण अने अहींया पण आपणे एम ज करशुं 12 लाख एने गुणिया 10% एटले 1,20,000 माइनस करशुं एटले आपणी पासे आवशे 10,80,000। ये आवशे आपणुं वेचाण बराबर छे। चालो तो 5% अने 10% आपणे गणतरी बतावी दीधी। हवे आपणे छे ए शुं करवानुं छे तो के भलामण आपवानी छे बराबर छे। तो भलामण आपी दઈએ आपणे 5મા નंबरमां। हवे जुओ भलामण आपणे कई रीते आपी शकीए तो के आपणे खबर केवी रीते पड़े के केटला नफाओ केटला टका नफो आपणने मळेलो छे। हवे तमे पड़तर पर नफो लेशो तोय चालशे, वेचाण पर नफो लेशो तोय चालशे। हूँ पड़तर पर लउं छुं, पड़तर पर नफानी गणतरी, नफानी टकावारी बराबर। आपणे त्रिराशि मूकी अने फाइंड आउट करवानुं छे। तो के पेला पड़तर आपी छे 4,28,500, तो ये आपणे जे छे ए नफो आप्यो छे 1,71,500 बराबर। तो हवे आपणे टकावारी जोईए छे तो 100% केटला केनी टकावारी जोईए छे तो के नफा जोईए छे 100% बराबर। पड़तर 100% होय तो जे नफो होय केटला टका हशे तो 100 गुणिया 1,71,500 एने भांग्या 4,28,500। चालो तो ई आवशे 40%। तो आ आवशे 40% बराबर। पछी आ आवशे केटला टका सपाटीए तो के 50% सपाटीए। 50% सपाटीए तमे उत्पादन करो तो तमने पड़तर पर 40% नफो मळशे। पछी 75% आपणे केटलुं मळशे तो के ए आपणो पड़तर छे 5,62,250, नफो छे आपणो 2,92,750। तो 100% केटला आपणने केटलो नफो मळशे तो अहींया आपणे लखी नाखशुं 2,92,750 गुणिया 100 भांग्या 5,62,250 250। चलो तो ई आवशे आपणो आंसर 52% बराबर। तो आमां आपणने पड़तर पर 52% नफो मळे छे। पछी त्रीजा नंबरमां 100% केटला थशे तो 100% नफो छे आपणो 6,96,000 आपणी पड़तर छे। नफो है आप 3,84,000 अने 100% एट्ले कि नफो आपने केटलो मळशे। चलो तो 3,84,000 गुणिया 100 भांग्या 6,96,000। चलो तो ये आवशे 55.70 एट्ले कि 55% नफो। तो भलामण आपणे शुं ज करी शकाय तमने खबर ज पड़ी जाए कि आमां के आपणे नफा छे ए केटला केटला मळे छे बराबर। जो 50% उत्पादन करशूँ तो 40% नफो मळशे, 75% उत्पादन करशूँ तो 52% नफो मळशे अने 100% उत्पादन करशूँ तो 55% नफो मळशे। तो हितावह कंपनी माटे ई ज छे के 100% उत्पादन चालू राखवुं। कंपनी माटे 100% उत्पादन शक्तिए उत्पादन करी अने वेचाण करवुं वधारे हितावह छे, फायदाकारक छे, हितावह छे तमे लखी शको बराबर छे। तो आ रीते तमे भलामण पण आपी शको छो। ચાલો તમે વેચાણ પર નફો લઈને પણ એને ભલામણ આપી શકો છો, બરાબર, તમારી ઈચ્છા મુજબ તમે કરી શકો છો. ચાલો તો આ હતો આપણો 2022માં પૂછાયેલો દાખલો, બરાબર છે. અને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અને સબસ્ક્રાઈબ ચેનલ જરૂરથી કરી નાખો જેથી કરીને આવતા વિડીયોઝ તમને સરળતાથી મળી રહે. થેન્ક યુ.